वेलकम बैक। थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब हम आज जो बात करने वाले हैं, लास्ट सेशन में हमने सिंपली ये देखा कि केबल कनेक्शन कैसे किया जाता है और लैन किसको बोलते हैं। तो राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको जो मैं डायग्राम बनाने के लिए दिया था होपफुली कि आप लोगों ने बनाया होगा। आपका जो है ये, आपका ये है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत आई हो तो फिर मैं पहले उनके बनाऊँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों ने बना दिया है? नोएल, आपने बनाया, यस या नो? प्लीज मैसेज। ओके, तो अभी जो है इसमें हम लोग लास्ट सेशन में हमने कनेक्शन कैसे करें, केबलों के बारे में बात की थी, और इसको हमने पूरा का पूरा राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लाइन नंबर वन हो गया, दूसरा पोर्ट आपका ये लाइन नंबर टू हो गया, और ये आपका तीसरा जो पोर्ट है ये दोनों कंबाइंड रूप से लाइन नंबर थ्री कहलाएगा। ये तो है फील्ड के हिसाब से बात, और जो हम लोग प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास में जो बात रहेगी कि बुक्स के हिसाब से जो इसका स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो जो पहला लाइन है इसको हम नेटवर्क वन बोलते हैं, और इसको नेटवर्क टू बोलेंगे, और इसको हम नेटवर्क थ्री बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा तीन नेटवर्क हो गया, और जितने भी नेटवर्क हैं उनकी पहचान नेटवर्क आईडी से होगी। अभी हम यहाँ लर्निंग स्टेज में हैं, तो मैं जो पहला नेटवर्क है इसको मैं यहाँ पे एक आईडी अपने तरफ से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, दिस इज अ नेटवर्क वन, और एक नेटवर्क आईडी हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी तरफ से। रियली में क्या होगा, आप जो भी नेटवर्क डिफाइन करोगे परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके हिसाब से नेटवर्क डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे चूंकि हम लर्न कर रहे हैं तो कोई भी नेटवर्क ले सकते हैं, सामुलेटर है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, 192.168.1.0/24। एक नेटवर्क हमने ये ले लिया जिसकी नेटवर्क आईडी ये है 192.168.1.0। एक दूसरा नेटवर्क हम ले लेते हैं नेटवर्क टू, और इसकी आईडी हम डिफाइन कर देते हैं 192.168.2.0/24 कर लेते हैं। और तीसरा जो नेटवर्क है हमारे पास में नेटवर्क थ्री, ये हमारे पास में 192.168.3.0/24। तो हमारे पास तीन नेटवर्क हो गए, आपको ये बीच में एक यहाँ लगा दिया, यहाँ आपको ड्रॉप फाइंड कर देते हैं, राइट, ठीक है। जो भी नेटवर्क आईडी लिया +24 है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स आपके वन हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसका मतलब है कि इसकी जो आईपी रेंज होगी वो हम यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे, 192.168.1.1 से शुरू होगा और 254 तक जाएगा। सेम चीज़ें बाकी सब में लागू होंगी। ये अगर हम कहें सीधे सीधे कि ये जो कैंपस है इस कैंपस के अंदर कितने लैपटॉप या कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, वो इससे डिफाइंड होगा। इससे ज़्यादा होगा तो और भी तरीके होते हैं कैसे बढ़ाए जाएं, उसके भी तरीके बनाए, उसके लिए वीलैन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार अगर वीलैन तो हमारे रियल में होता है, लेकिन जब हम उसे सॉफ्टवेयर रूप में मैनेज करते हैं तो हम लोग उसे वीपीएन बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो होपफुली के दोनों नाम आपने जरूर सुने होंगे। तो जो मैंने यहाँ आईपी प्लान किया है उस हिसाब से यहाँ पे हमें आईपी देना है, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे बताएं, अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आपने इस नेटवर्क का आप लोगों ने डिजाइन करके बनाया, या कल से यूं ही बस सुन के छोड़ दिया है? अर्पित, आपने बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर मैं एक्चुअली लास्ट क्लास एब्सेंट था, बट खाली ये मतलब कनेक्शन नहीं क्या ये? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर कर रहा हूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग शेयर किया, यस या नो? यस सर, अगर नहीं किया तो आप शाम को याद दिला दीजिए। बीन में कुल मिला के मेरे को पांच अलग अलग स्लॉट क्लासेज हैं, तो ये क्लास जो डिले होती नहीं की वजह से होती है, कहीं क्वेरी ज़्यादा हो जाती है, कहीं बैच ऐसे होते हैं कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, तो उसमें थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो अगर ये हमने शेयर नहीं किया तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, अगर लास्ट सेशन हमने, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट सेशन आपके ग्रुप में शेयर किया है नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं। अब बाकी भूमिका आपने बनाया, हाँ या ना? यस सर सर आप बना व्हाट्सएप लिया से है। शेयर नहीं किया? मैं आपके यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लास्ट सेशन में मुझे लग रहा शेयर नहीं किया है कल वाला, तो मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ, राइट, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ
पहले मैं इसको शेयर कर देता हूँ, फिर हम आगे जाते हैं ताकि भूल ना जाऊँ आज का सेशन अलग है। आप शाम को दिन में इलाज जरूर लिखिए। देखिए टीचर भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी शाम को जब मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ तो उन मैसेज कर देते हैं कम से प्लीज शेयर, क्योंकि नेटवर्क का पता नहीं है कहीं पे ऑनलाइन नेट सही आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वो प्रॉपर तरीके से रहेगी आपके पास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये आपका रिव्यू है, एक डे आपका हो गया 9 डेट 10, ठीक है, जिसको मैं अभी शेयर कर देता हूँ। अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, रुक रुक के तो नहीं आ रही? ठीक है, ये जो लास्ट सेशन है मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं, और अगर आपने किया नहीं हुआ ठीक है। ओके, दोबारा आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग बना के इसको करिए फिर से, कोई ऐसा नहीं हो कि इसके बाद में। अब मैं फास्ट चलता हूँ। अभी हमने जो प्लानिंग किया उसके अनुसार हमने 3 नेटवर्क आईडी प्री-डिफाइन किया ताकि हम इस आईपी से इस पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर पाए। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इसको मैं मान लेता हूँ आपका कॉलेज कैंपस है या हमारा एनटीटीसी कैंपस है, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपका कॉलेज आ गया तो कुछ और हो जाएगा। और अगर आपके कॉलेज कैंपस में सभी को इंटरनेट देना, कुछ लोग लैपटॉप से जुड़ेंगे, कुछ कंप्यूटर जुड़ेंगे, कुछ वाईफाई के थ्रू जुड़ेंगे, तो इसी तरह से आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर से फिर हम स्विच लगाएंगे, एक स्विच से दूसरा स्विच, केबलिंग करेंगे, और ये जो भी कनेक्शन आएगा आईएसपी से आपके पास में आएगा। सीधी सी बात है। तो आपको दो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, एक तो एक नेटवर्क आईडी खरीदनी पड़ेगी, दूसरा हमें कितने स्पीड का इंटरनेट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको मैनेज करते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी जो हमने नेटवर्क आईडी डिफाइन किया उस हिसाब से आईपी रेंज हो गया, ये जो पोर्ट है FA0/0। आप लोगों ने पहली बार अगर अपने कंप्यूटर में पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया है तो ये डेफिनेटली FA0/0 नहीं आ रहा होगा। कोई ऐसा है जिन्होंने जिसके वजह से ये आ रहा है? अगर क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो इस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस पे जाएंगे, आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल अनचेक होगा और आपकी कंडीशन कुछ ऐसे होगी जब स्क्रीन पे, क्योंकि तो हमें मालूम ही नहीं कि हमने पोर्ट कहाँ पे लगाया है, इसको शो करना, तो यहाँ पे आप चेक मार्क कर देंगे तो फिर ये इस तरह से शो होने लगेगा। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन है हमने केबल लगाया कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, ये बड़ा डाउट रहता है। तो आप कहाँ से करेंगे, ऑप्शन बटन प्रिफरेंस, ओके। और अगर दोबारा भूल जाए तो वीडियो को देखें कि कहाँ से मैंने किया था। अब हमारा ये जो पोर्ट है FA0/0, राउटर के या कंप्यूटर के किस हिस्से में आईपी दिया जाता है, हमारे सामने सवाल ये उठता है। तो अगर हम यहाँ बात करें ऊपर आके, तो आईपी आपका ये क्या करते हैं, लैन पोर्ट इन लैपटॉप, ठीक है, लैन पोर्ट लैपटॉप में ये जो पोर्ट है इस हिस्से पे आईपी दिया जाता है। सीधी सी बात है, अगर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर किस हिस्से में हम आईपी देते हैं, जो इसका लैन पोर्ट है ये जहाँ पे हम केबल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो उसी तरह से हमारे राउटर के भी जो पोर्ट होते हैं उन्हीं पे ये जो पोर्ट है इन पे हमें आईपी देना होता है, ये वाला जो हमारा पोर्ट है। तो यहाँ पे हम प्री डिफाइंड पहले करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे काम कैसे किया जाएगा। तो FA0/0 ये पोर्ट है, मैं इसको आईपी दूंगा, क्या दूंगा, 192.168.1.1 देना, ये प्लान कर सकते हो। दो कंप्यूटर को मैं आईपी दे देता हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क है, तो ये जो रेंज दिया हुआ है इन्हीं रेंज में से हम आईपी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FA0/0
ये कंप्यूटर का है तो इस पे PC 0 पे, मैं PC 0 पे जो IP दूंगा वो डिफाइन कर देता हूँ 192.168, वन तो रहेगा ही, 2, 3, 4, 5 तो 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे जो लैपटॉप है, अगर हम इसकी बात करें लैपटॉप की, इसको जो IP दिया जा सकता है 192.168, जो IP एक में दे दिया और दूसरे में आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये जो हम IP देंगे आपका, ये 1.3 कर देते हैं /24, राइट, ठीक है। तो ये हमारा IP हो गया, अभी बाकी को रहने देते हैं कि इनको ऑटोमेटिक IP दे के कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम इस पोर्ट की अगर बात करें, ये वाला जो पोर्ट है FA01, ठीक है, तो ये जो हमारा नेटवर्क ID है 192.168.3.0 है, तो यहाँ 1 से लेके 254, तो 1 दे देते हैं इस साइड। दूसरे साइड का जो नेटवर्क है इसको हम डिफाइन कर देते हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, सिंपली आपको मैं समझने के लिए बना रहा हूँ कैसे कंप्यूटर में लिखा जाएगा या राउटर में लिखा जाएगा, वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 by 0, इधर भी 1 है, ओके। तो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 192.168.3.2, 1 ऑलरेडी आप दे चुके हो, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो बच गया, इस पोर्ट पे भी दे सकते हैं और इस पोर्ट पे, इन पे क्या देंगे 2.3 के देंगे। तो अभी हमने प्री प्लान किया, अगर मैं अपने माउस को राउटर के सामने ले जाऊं तो एक पॉपअप स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी जिस पे लिखा है फास्ट इथरनेट 0 by 0, लिंक डाउन है, VLAN कोई नहीं है, IP एड्रेस नॉट सेट। उसी तरह से 0 by 1 का भी लिंक डाउन है, ठीक है, IP एड्रेस नॉट सेट। तो ये जो हमने प्लानिंग किया, अगली बार माउस ले जाऊं तो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग भी करेंगे। सबसे पहले रियल में क्या होता है कि हमारा जो राउटर होता है उसके साथ ना तो कीबोर्ड होता है, ना तो कोई माउस होता है, ठीक है, और ना ही कोई मॉनिटर होता है। तो इस समस्या को हम दूर कैसे करते हैं, हम एक लैपटॉप लगाते हैं और कंसोल केबल के माध्यम से राउटर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो लैपटॉप है उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपने लैपटॉप को राउटर से लगाया है उस टाइम पीरियड के लिए, आपका जो लैपटॉप है इस राउटर का कीबोर्ड माउस और मॉनिटर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो रियल में तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। सिमुलेटर है तो सिमुलेटर में आप क्लिक कर दोगे और डायरेक्ट आप CLI मोड में भी जा सकते हो, या कमांड प्रॉम्प्ट से जहाँ पे काम करना है, ठीक है। और अगर रियल में करना है तो लैपटॉप लगाएंगे, क्लिक करेंगे, अब आपका जो लैपटॉप है उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है। ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है बेसिकली ये एप्पल बेस्ड है, तो डेफिनेटली इसका लैपटॉप एप्पल आईफोन आई जो भी आई मैकबुक नोटबुक जो भी कह सकते हैं आप होगा। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे, जो इंटरनेट के उसके जो ऑप्शंस आते हैं जिसपे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, एक तो आपका टर्मिनल नाम का होता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास में टेलनेट होता है, ठीक है, और तीसरा CMD होता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये लैपटॉप जो है हमारा आईफोन है, आई नोटबुक है, एप्पल का है, तो हम इसके डेस्कटॉप में जाएंगे, ठीक है, और इसके टर्मिनल में जाएंगे। तो टर्मिनल में क्लिक करेंगे तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन आ रही है कितने BPS है, डाटा बिट है, तो जो हमारा लैपटॉप है ऑटो सेंस रहता है, ऑटोमेटिकली वो राउटर से सेंस कर लेगा, और यहाँ जो डाटा है वो आप अपने आप आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ओके कर देना है। तो जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुल जाएगी, थोड़ी छोटी दिख रही होगी, लेकिन मैंने बोला क्योंकि सिमुलेटर है तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो जो LTTC डायरेक्ट भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों को सामने रख लिया, एक लैपटॉप से खुला, तो देखना दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ पे यस या नो, तो सबसे पहले तो मुझे नो लिखना है, यहाँ पे नो क्यों लिखना भी बात करूंगा, जो चीज मैं यहाँ टाइप करूंगा वही चीज इधर भी टाइप होगी, यहाँ पे भी नो आ गया। एंटर प्रेस करूंगा तो जो चीज मेरे इसमें हो रहा है वही चीज हमारा इधर भी चलेगा, जो चीज मैं यहाँ लिखूंगा वो भी हमारा इधर चलेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ इनका मतलब समझाऊंगा, क्या है, कनेक्शन किया हमने, IP की प्लानिंग किया, और उसके बाद अब हम राउटर के अंदर IP अलॉट करने जा रहे हैं। तो अलॉट कैसे करेंगे, उसके लिए पहले मुझे राउटर के अंदर कंफिगर करना पड़ेगा, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, पहले ही बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अब आने वाले समय में जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ेगा उसको पहले से ही पता होगी, उनको बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंबल आया ग्रेटर देन का,
इसका मतलब है यूजर मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर मोड? जब आप फर्स्ट टाइम कोई लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं या आपके पास कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो या आपका मोबाइल फोन है, तो अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से मॉडल का है, कौन सी कंपनी का है, बाहर स्क्रीन बोर्ड पे क्या लगाया, बैक कवर क्या लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर चेक करना हो तो उसके दो तरीके हैं। अगर मैं अपने कंप्यूटर के बारे में चेक करूं तो कैसे करूंगा? माई कंप्यूटर पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, उसके साथ ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में कि मेरे कंप्यूटर का क्या, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मुझे अपने इस कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरा कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मैं अपने ये जो हमारा रियल कंप्यूटर है, रियल कंप्यूटर के एमआई पीसी में जाऊंगा, जिस पीसी एमआई कंप्यूटर, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। तो जैसे मेरा कंप्यूटर है डेस्कटॉप टाइप का कंप्यूटर है आपका, ठीक है, आपकी प्रोसेसर जो है आपका, ये जो आपके सामने पड़ा है, कितना रैम है, ठीक है, डिवाइस आईडी, कौन सा विंडोज पड़ा हुआ है, किस डेस्कटॉप हमने इंस्टॉल किया था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसी तरह की जो राउटर है वो कौन सी कंपनी का है, क्या है, ये सब चीज़ें कैसे मालूम चलेगी, वो सब आपको यूजर मोड में यहाँ पे पता चलते, जो ग्रेटर देन सिंबल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये ग्रेटर मोड, यूजर मोड, इसमें कुछ कमांड फायर करोगे तो मुझे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि मेरा राउटर कौन सा मॉडल है, 2811 लाइक दिस, ओके। अब इसमें कमांड फायर करेंगे इनेबल कमांड होती है, जो बहुत ही कॉमन कमांड है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ सेम टाइम में आप देखेंगे यहाँ भी टाइप हो रहा है। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये हाईएस्ट मोड में आ गया, दिस इज द हाईएस्ट मोड, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। ये था यूजर मोड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड क्या होता है ये भी समझ लीजिए। यूजर मोड में आपने जो चीज खरीदा उसके बारे में, आपके कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें। जब हम कंप्यूटर, मोबाइल फोन या कोई डिवाइस खरीदते हैं, एक उस समय बहुत सारी चीजें हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं होती हैं, तो फिर क्या होता है, एक समय के बाद हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि जब मैंने खरीदा था और कुछ समय बाद जब हम काम करने लगे तो क्या क्या नया सॉफ्टवेयर डाला, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये भी नॉर्मल कंप्यूटर में अगर बात करें तो आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में या कमांड कॉर्नर में जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे राउटर के अंदर, इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर कमांड होती बहुत सारी, इसके माध्यम से आप पता कर सकते हो। बाकी एक बहुत समान कमांड भी होता है, स्टोर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टैब बटन। ये चूंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर मैं दो शब्द भी लिखूँ टैब बटन यूज करूँ तो पूरे कमांड को ये फायर कर देता है और इंटरफेस। तो अब इससे मुझे ये पता चल जाएगा मैंने क्या कमांड फायर किया, स्टोर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये कमांड फायर किया तो मेरे राउटर के बारे में बता रहा है क्या वर्जन है, क्या राउटर का नाम रखा गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ किया होता तो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन आती, ठीक है ना। इंटर प्रेस करता जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है उससे कोई अभी आईपी नहीं डाला, डाला ही तो आएगा कैसे, अभी हम देख रहे हैं 01 पे भी कोई नहीं है। अवश्य इंटर प्रेस करेंगे, निश्चित टाइम के बाद आप बाहर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो आज के सेशन में कि यहाँ पे आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाए, इस राउटर से इस पे एंट्री कर चुका हूँ मैं, लैपटॉप से भी या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्फ़िग टी या कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पूरा शब्द भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, अब राउटर के अंदर आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो राउटर के अंदर एंट्री कैसे की जाती है, फिजिकल मोड में और सॉफ्टवेयर मोड में, दोनों मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल मोड में क्या होगा, आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, कंसोल टेबल लगाना पड़ेगा, लैपटॉप के अंदर टर्मिनल, टेलनेट और विंडोज कंप्यूटर का पुटी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको करके यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर मोड में आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, जैसा कि मैं अभी एंट्री किया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इस पोर्ट पे जाएंगे, सबसे पहले अभी यहाँ माउस ले जाएंगे तो फास्ट इथरनेट 0/0 नॉट सेट, लेकिन अब हमने प्लान किया कि आई पी आना चाहिए, तो मैं आई एन टी
या फिर 0/0 इंटरप्रेट कर दूंगा, ठीक है, इस पोर्ट पे आई पी एट 192.168.1.1 सबनेट मास्क 255.255 सारा डालना पड़ेगा आपको और प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं माउस ले जाऊंगा तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अब जो हमारा 0/0 है उसका पोर्ट पे आईपी आ गया जो मैंने प्लानिंग किया था। राउटर मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। राउटर के अंदर अगर एक सिंपल से बात करें, आप अपने घर में हैं, आपके घर में एसी लगा हुआ है और आप कोई पर्सन रहे ना रहे अगर एसी चला दें तो बहुत ज़्यादा बिजली खर्चा होता है। उसी तरह से अगर आप राउटर भी एसी के बराबर होता है, अगर हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो अगर उसकी पावर सप्लाई ऑन करके रखें तो पहली बात तो बिजली बहुत खर्चा करेगा। नंबर टू कि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है और सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो एक अगर दो क्लासरूम है, दो लोग भले फर्स्ट टाइम क्लासरूम में साथ बैठें, भले एक दूसरे को ना जाने, तो भी इंसान का नेचर होता है एक दूसरे को हाय हेलो करके जानने की कोशिश करने की। सेम मैनर में राउटर भी होता है, राउटर भी इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसके अंदर सारी जो थिंकिंग है एक इंसानी तौर से बनाई गई है। तो अगर हम जो राउटर के पावर सप्लाई को ऑन करके रखेंगे तो बहुत पूछा भी जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या राउटर की बेसिक जानकारी है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि राउटर जब आइडल मोड में होता है, उसका कोई काम धाम नहीं होता है, तो वो कौन सा पैकेट छोड़ता है। तो दो लोग अगर बैठे तो हेलो पैकेट छोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम पावर सप्लाई, इसलिए रेड है आपका। तो इसकी पावर सप्लाई ऑन कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा नो शट डाउन, नो शट, और जैसे प्रेस करूंगा आप देखना ये रेड से ऑरेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी काम करें डू राइट जरूर करें। कंप्यूटर साइंस में कुछ भी काम करो, डू राइट नहीं करोगे तो सारी कंफिगरेशन उड़ जाता है और फिर एग्जिट कर देते हैं। तो राउटर के इस पोर्ट को इस तरह से आईपी दिया जाता है जैसा कि हमने अभी आपके सामने दिया है। कितना आप लोग कर पाएंगे, हाँ या ना, आज वैसे डिले हो गया काफी आधा घंटा, भूमिका आप कर पाओगे? यस सर। आपने किया है पहले, बना लिया था बैकग्राउंड वाला? हाँ सर बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कनेक्शन वनेक्शन कर लिया था आपने? यस सर। तो ठीक है, तो आप आज इसको आईपी डालिए, मैं आज इतना ही रखता हूँ क्योंकि एक क्लास और भी है ना तो भी डिले हो जाएगी। कल हम आपका क्लास 2:30 बजे शुरू करेंगे और 3:30 बजे तक रखेंगे इसको, ठीक है। तो आज थोड़ा किसी को जिरा हो गया लेकिन थोड़ा सा हमने आपको कोशिश की कि बंद करने का रहेगा। तो आप सभी लोग बनाएं और दिया आप बताएं आप ये समझ पा रहे हैं या फिर आपको एक आप इसको पूरा करिए फिर आपको पिछले वीक क्लास हम इसमें अगले वीक में कराएंगे। दिया आर यू देयर? दिया एंड प्रिया दो लोग नए थे ना। नोएल yes, ठीक है, आप ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कल हम लोग फिर मिलेंगे। इसको बना के तैयार रखिएगा, आईपी एड्रेस में कोई दिक्कत हो तो मैं आपके कंप्यूटर को भी एक्सेस करके डायरेक्टली शो कर पाऊंगा। तो कल मैं इसको दिक्कत हो तो आप लोग उसको जरूर तैयार रखिए और आपके पीसी को भी मैं यहाँ से ओपनली करके सारे चीज़ें, आज के ज़माने में तो सॉफ्टवेयर आपका जूम में तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इवन मेरा जूम हायर लेवल वर्जन का तो उसमें और भी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं जो यहीं से आपके कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आपको सारी चीज़ें जो भी दिक्कत हो तो मैं यहाँ रिमोटली भी उसको करके प्रैक्टिकली दिखा दूँगा, लेकिन आप उसको पूरा करिए, यही आपका रिपोर्ट है, यही आपकी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सब में ज़्यादातर 6 वीक और 4 वीक के हैं तो बनानी ही पड़ेगी। तो मेरे साथ करते रहिए कि दोनों काम हो ताकि मेरे बात कुछ करना ना पड़े आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता हूँ, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू। आप लोगों ने मैसेज कर दिया ताकि अटेंडेंस लग जाए, काइंडली मैसेज फॉर अटेंडेंस। Thank you, thank you. Again, see you to another tomorrow. Thank you.